नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज सुनी होगी, मैंने वीडियो भी बनाया था कि इंडोन में कुछ हुआ था तो जज के ऊपर आरोप भी लगे थे। सबसे बड़ी बात थी FIR हो गई, और मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि क्या प्रोसेस रहता है एक जज की कार्रवाई करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट मतलब गाइडलाइन बताई थी कोर्ट की, क्या गाइडलाइन है। आप चाहोगे तो मैं इस वीडियो में बता दूंगा, पहले आपको गाइडलाइन बता देता हूँ। चलो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देखो, इसमें गाइडलाइन थी दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में गाइडलाइन दी थी। 1991 का केस है, इसमें लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ है, पहला, जुडिशियल ऑफिसर शुड बी अरेस्ट फ्रॉम एनी ऑफेंस अंडर इंटीमेशन टू डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ हाई कोर्ट एज द केस में भी। पहले गाइडलाइन आप समझ लो, फिर आपको समझ में आएगा हुआ क्या उस केस में। इन द केस ऑफ नेसेसिटी ऑफ इमीडिएट अरेस्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर, ओनली टेक्निकल फॉर्मल अरेस्ट में बी अफेक्टेड। फैक्ट ऑफ सच अरेस्ट शुड बी इमीडिएट कम्युनिकेटेड टू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जुडिशियल ऑफिसर सो अरेस्टेड शैल नॉट बी टेकन टू पुलिस स्टेशन विदाउट प्रायर ऑर्डर टू डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट इफ अवेलेबल। इमीडिएट फैसिलिटी शैल बी प्रोवाइडेड टू जुडिशियल ऑफिसर फॉर कम्युनिकेशन विद हिज फैमिली मेंबर, लीगल एडवाइजर, जुडिशियल ऑफिसर इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। नो स्टेटमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर हु इज अंडर अरेस्ट be recorded, nor any panchnama be drawn up, or nor any medical tests are be conducted except in the presence of legal advisor, judicial officer concerned, and other judicial officer equal or higher rank if available. और handcuff वाला भी नहीं है। तो ये तो basic guideline है, ठीक है। अब आती है कि news क्या आई थी। News समझो, देखो ये है 2 अप्रैल की news आई थी, front page पे और छाप दिया अखबार वालों ने। सोचो, front page पे और छापा है, दैनिक भास्कर की news है ये, और 2 अप्रैल की है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, गैंग रेप पीड़िता से पुरुष जज ने कहा, पजामी कुर्ती उतार, मुझे चोट देखनी है, ये खौफनाक है, ठीक है। इसके बाद एक कार्रवाई हुई, राजस्थान हाईकोर्ट से विजिलेंस टीम गई, तो उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। रेप पीड़िता से कपड़े उतारने को कहा था मजिस्ट्रेट से, 3 घंटे बंद कमरे में पूछ रहा हूं। देखो हेडलाइन कैसे लिखते हैं लोग, इसमें लिखा हुआ है सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के कपड़े उतारने के लिए कहने वाले आरोपी मजिस्ट्रेट से मंगलवार को पूछताछ हुई। इसके लिए राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के विजिलेंस रजिस्ट्रार अजय चौधरी इंडोन कोर्ट में दोपहर 2:45 बजे पहुंचे। ये सारी चीज हुई, पूछताछ हो गई। अब पूछताछ में इन्होंने जज से भी पूछताछ करी थी, वहां के वकीलों से भी पूछताछ करी थी, स्टाफ से भी पूछताछ करी थी। अब मैं जो न्यूज बताने वाला हूँ उसके आगे एसोसिएशन भी एक्टिव हो गई है, जज की एसोसिएशन होती है, मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा। तो वहां पे पता चला कि वकीलों ने तो जज के फेवर में बोला कि हमारे जज साहब ऐसे नहीं है और बहुत सही है। वो ऐसे सुनने में आ रहा है कि वहां के वकीलों ने ये सब चीजें दी है, बयान दिए कि ऐसा कुछ नहीं है। अब बात आती है कि एक जज पे FIR कर दी, वो भी SC ST एक्ट में हुई है शायद, जिसमें इसमें लिख नहीं रखा किस केस में हुई है FIR, पर जितना सुनने में आ रहा है SC ST एक्ट में FIR हुई है। आपको एक चीज बताता हूं मैं, नॉर्मल FIR कराने में एक आदमी की हालत खराब हो जाती है। आप कभी थाने जाना है FIR करवाने, जेन्युइन FIR करवाने थाने जाना, आपकी FIR रजिस्टर नहीं करते पुलिस वाले। सोचो ये तो जज था, और SC ST एक्ट की FIR मतलब DSP रैंक के लेवल अधिकारी जांच करता है। इसमें DSP SHO दोनों पे कार्रवाई की बात कर रहे हैं जज एसोसिएशन। मैं आपको लेटर भी पढ़ मतलब वो न्यूज भी पढ़ के बताऊंगा, अभी वीडियो समझे। तो सोच SC ST एक्ट में FIR भी इजीली नहीं होती, बहुत इन्वेस्टिगेशन होती है कि हाँ जेन्युइन है या नहीं है, उसके बाद FIR होती है। और क्योंकि आपको पता है नॉन बेलेबल ऑफेंस है SC ST एक्ट वाला, तो ये सारी चीजें रहती है। और जज के खिलाफ आपने किसी DJ साहब से भी नहीं पूछा, ना हाईकोर्ट से पूछा। अब बात आती है आज क्या न्यूज आ रही है, अब वो बात करते हैं अपन, ये इंपॉर्टेंट है। जज CJ की अनुमति बिना मजिस्ट्रेट के खिलाफ FIR कैसे, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं अपन न्यूज को। करौली जिले के हिंडौन थाना क्षेत्र में महिला से कपड़े उतारने को कहने की कथित आरोपी को लेकर मजिस्ट्रेट के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने के मामले में तूल पकड़ लिया है। राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी एसोसिएशन होती है ने हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी बिना मजिस्ट्रेट के खिलाफ FIR दर्ज करने को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। बिना CJ के परमिशन के आप FIR कैसे दर्ज कर सकते हैं, एसोसिएशन बोल रहे हैं, और दर्ज कराए और मंजूरी बिना मजिस्ट्रेट के खिलाफ FIR दर्ज कराने का को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। एसोसिएशन ने FIR रद्द करने और दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई, मजिस्ट्रेट को सुरक्षा की गुहार करते हुए हाईकोर्ट में अपराधी याचिका दायर की है, जिस पर 9 अप्रैल को सुनवाई होगी। एसोसिएशन अध्यक्ष पवन कुमार गर्ग ने
दायर याचिका में कहा है कि जज के खिलाफ एफआईआर के लिए हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश की अनुमति अनिवार्य है। तो कंपलसरी है, अगर किसी जज, चाहे जेएम हो, चाहे सिविल जज हो, या डीजे हो, एडीजे हो, किसी भी रैंक के हो, उनके जब तक एफआईआर नहीं हो सकती जब तक मुख्य न्यायाधीश ना कह दे। इस पे साफ साफ मेंशन है, गाइडलाइन मैंने आपको बताई थी, उसमें डीजे साहब हाईकोर्ट लिखा हुआ था, साफ साफ मेंशन है। फिर भी पुलिस अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। एसोसिएशन के अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि याचिका में एफआईआर को लेकर मीडिया में बड़ा चढ़ाकर खबरें आने से न्यायपालिका की छवि धूमिल हुई, मतलब न्यायपालिका की छवि पे क्वेश्चन मार्क तो उठे हैं का आरोप लगाया। याचिका में कहा है कि जज के खिलाफ, ये देखो, बिना सीजे के मंजूरी के एफआईआर, वही लिखा हुआ है सारी चीजें, बिना चीफ जस्टिस के मंजूरी के आपने एफआईआर कर ली और तुरंत एफआईआर कर ली, सोचो बहुत बड़ी बात है। तो अब देखो, आप पर्सनली मिलोगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या चलता रहता है। पैच के यंग जज है, अपने ईमानदारी से काम करते हैं, फिर लोग उनको डरा धमका के काम करवाना चाहते हैं, कुछ और काम होता है और डरता कोई नहीं है, बट फिर ये ऐसी चीजें हो जाती हैं, फेक एफआईआर हो या कुछ भी हो, ये तो डिसाइड हाईकोर्ट ही करेगा, ऑनरेबल हाईकोर्ट डिसाइड करेगा। 9 अप्रैल को हियरिंग है इसके, बट अखबार वालों को ऐसे बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि अखबार वालों ने बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ा के लिखा है, फ्रंट पेज पे और छाप दिया और सब में आया था, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया था और जो भी आपके अखबार है, मैंने ऐप में पढ़ा था, टाइम्स ऑफ इंडिया की ऐप में भी आया था। बट मैं आपको उस वीडियो में ही कहा था कि जब तक हाईकोर्ट डिसाइड नहीं करते आपको नहीं करना चाहिए, कोई कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आए थे कि सर ऐसा भी होता है क्या, और ये खबरें, और कईयों ने तो स्टेटस भी लगाया था वकीलों ने कि देखो क्या हो रहा है। बट ठीक है, मैं यही कहता हूँ कि जब तक कुछ पता ना चल जाए, पुख्ता न्यूज ना आ जाए, प्रूफ के साथ, प्रूफ मतलब प्रूफ ना हो जाए किसी एविडेंस से, आपको कमेंट नहीं करना चाहिए, किसी की छवि पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, और वही प्रूफ होता जा रहा है। और एसोसिएशन सोचो, अगर जज की एसोसिएशन अगर कुछ गलत नहीं है तभी साथ दे रहे हैं ना, और उन्होंने खुद ने, और एफआईआर तो रद्द हो जाएगी, बिल्कुल 100% ऑनरेबल जज साहब जो चीफ जस्टिस है सही डिसीजन देंगे, उनको जो सही लगेगा वो कर देंगे, रद्द हो जाएगी एफआईआर जाता क्या। और पुलिस वालों पे कार्रवाई की बात कही गई है, देखो क्या होता है, पुलिस पे कार्रवाई होती है कि नहीं होती। और मैं आपको वैसे ही बताता हूँ, जुडिशरी, जो लोअर जुडिशरी है ना, लोअर जैसे जो जैसे एसपी होते हैं, डीएसपी होते हैं, डीजीपी होते हैं, उनकी बैकबोन थाना है, ऐसे जुडिशरी की बैकबोन मजिस्ट्रेट कोर्ट है, सारे काम मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही होते हैं, यहाँ एविडेंस जो हो जाते हैं वही चलते हैं हाईकोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, सब काम, तो बैकबोन है एक तरीके से जुडिशरी। और आजकल तो यंग बच्चे आ रहे हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और अपने डेडिकेशन से काम करते हैं, किसी से कोई मतलब भी नहीं रखते, बहुत सही तरीके से काम करते हैं, और ये जज साहब शायद 2020 बैच के हैं, और ठीक है, पर ठीक है, जो भी होगा अच्छा होगा। और सेंट्रल विजिलेंस टीम ने गवाया, मतलब जो राजस्थान हाईकोर्ट की विजिलेंस टीम है वो जाके पूछताछ भी कराया, वहां पे वकीलों ने बताया हमारे जज साहब ऐसा कुछ ही नहीं है, और वो सामने आ रहा है, बाकी जो न्यूज होगी मैं आपको बता दूंगा। और ठीक है यार, ये बताना जरूरी था, ये तो हम इसी फील्ड से हैं, हमारी फील्ड पे कोई उंगली उठाए तो हम चुप तो नहीं बैठना चाहिए, बट ठीक है, जब तक मैटर कोर्ट में है तो उसको कोर्ट के हिसाब से ही चलने दो।